नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 22वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रनों से हरा दिया। जी हाँ, इस मुकाबले में डेविड वार्नर की टीम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हैदराबाद की टीम ने जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर के दमदार अर्धशतकों के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 201 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही थी, लेकिन मध्य के ओवरों में निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी पारी भी पंजाब के काम नहीं आई और पंजाब की पूरी टीम 16.5 ओवर में 132 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और पंजाब इस सीजन अपना 5वां मैच भी हार गई। आपको बता दें, पॉइंट्स टेबल में पंजाब पहले से ही नीचे चल रही थी, अब भी उसके सिर्फ 2 ही अंक हैं। आपको बता दें, इस मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की थी। हैदराबाद की तरफ से जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर की जोड़ी ने 160 रन पहले विकेट के लिए जोड़ दिए थे। डेविड वार्नर ने जहां 40 गेंदों पर 52 रन बनाए, वहीं जॉनी बेस्टो 55 गेंदों पर 97 रन बनाकर आउट हुए। जॉनी बेस्टो सिर्फ 3 रन से अपने शतक से चूक गए। सनराइजर हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 201 रन बोर्ड पर लगाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही थी और मयंक अग्रवाल 9 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। पंजाब के 3 विकेट 7 ओवर के अंतराल पर ही 58 रन के अंदर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन ने कुछ अच्छे हाथ दिखाते हुए 37 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जो इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक है। निकोलस पूरन ने अपनी पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 208 का रहा। निकोलस पूरन को किसी और बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और पंजाब के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते चले गए। आपको बता दें, हैदराबाद के लिए राशिद खान ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 मेडन समेत सिर्फ 12 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। इसके अलावा खलील अहमद ने 2, वहीं टी नटराजन ने भी 2 विकेट निकाले। आपको बता दें, ये सीजन सनराइजर हैदराबाद की सबसे बड़ी जीत है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सनराइजर्स अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है 6 अंकों के साथ। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब 6 मैचों में 5 हार के साथ आखिरी पायदान पर अब भी बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।